दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसीएल रिहैब फेज वन की एक्सरसाइजेज करेंगे, यानी कि वो एक्सरसाइजेज जो एसीएल सर्जरी के फौरन बाद से लेकर 2 हफ्तों तक आपको करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एसीएल सर्जरी होने के बाद एसीएल रिहैबिलिटेशन की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, घुटने को पूरी तरह से फिट करने की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है उनका। तो इस वजह से इन सारी एक्सरसाइजेज को हम अलग अलग फेज़ में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले फेज़ की एक्सरसाइजेज करेंगे जो आपको 2 हफ्तों तक करना है। पहले फेज़ में कुछ ही दिनों के अंदर जितना जल्दी हो सके घुटने की कुछ कंडीशंस को हासिल कर लेना होता है। तो पहले फेज़ की एक्सरसाइजेज के ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल होते हैं जिनको हमें आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हर हाल में हासिल कर लेना होता है, नहीं तो आगे चलकर ये बहुत ही प्रॉब्लम पैदा करने लगते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल होता है घुटने की फुल एक्सटेंशन को हासिल कर लेना, यानी कि घुटने को पूरी तरह से सीधा कर लेना। दूसरा गोल होता है घुटने की जो स्वेलिंग होती है सर्जरी के बाद, उस स्वेलिंग को मिनिमाइज करना। तीसरा गोल होता है घुटने का नीकैप, यानी कि पटेला, जिसको हम चखनी भी बोलते हैं, उसकी जो जकड़न आ जाती है सर्जरी के बाद, उसकी जकड़न को ख़त्म करना और उसमें अच्छी मोबिलिटी लाना। चौथा गोल है नी फ्लेक्शन को बढ़ाना, यानी कि घुटने की बेंडिंग को अच्छा करना। 1 हफ्ता के अंदर आपके घुटने की बेंडिंग 90 डिग्री तक या उससे ज़्यादा आ जानी चाहिए। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक आपको नी ब्रेस और वॉकर या स्टिक यूज़ करना होता है। नी ब्रेस घुटने को सीधा रखता है और अननेसेसरी मूवमेंट और एक्स्ट्रा लोड से घुटने और ग्राफ्ट को बचाता है। नी ब्रेस आपको वॉक करने के दौरान और सोते समय लगा कर रखना है। वॉकर से भी घुटने और घुटने के स्ट्रक्चर पर लोड कम पड़ता है और आपको चलने में स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सर्जरी के बाद मसल वीकनेस और बैलेंस की दिक्कत होती है। सर्जरी के बाद घुटने में दर्द और सूजन ज़्यादा रहती है, तो उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ की सिकाई कीजिए। घुटने के चारों तरफ हर 2-2 घंटे के बाद आइस पैक लगाइए। आइस पैक आपको कम से कम 10 मिनट तक लपेट के रखना है। सूजन को कम करने का एक और तरीका है सूजन को ड्रेन करना। इसके लिए आप अपने घुटने को, यानी कि अपने पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखिए जब आप लेटे हो। इस तरह से लेग को एलिवेट करके रखने से स्वेलिंग बहुत जल्दी चली जाती है। स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए आप सर्जरी वाले घुटने के चारों तरफ क्रैप बैंडेज भी बांध सकते हैं। इससे भी आपकी स्वेलिंग कम होगी, पेन में भी राहत मिलती है। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने के नीचे इस तरह से थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो सबसे पहले इसको सीधा करने की एक्सरसाइज करेंगे। 2-3 एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने हील के नीचे कुशन रख लीजिए या फिर कोई बॉक्स रख लीजिए। अगर आपके पास फोम रोलर है तो फोम रोलर भी रख सकते हैं। इस तरह से अब आप इसको नीचे की तरफ अपने हाथ से ही प्रेस करेंगे। इस तरह से पहले तो लगातार इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस करके आप होल्ड कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 10 काउंट तक, यानी 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे, फिर प्रेस करेंगे। इस तरह से 10 बार इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करेंगे। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से भी आपका ये एक्सटेंशन जाएगा, यानी कि आपका ये घुटना सीधा होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। आप एक टॉवल ले लेंगे, टॉवल को यहाँ फंसा लीजिएगा और फिर आप लेट जाएंगे। लेट कर टॉवल से आप अपने लेग को इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाकर जब आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आने लगेगा तो रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। दोबारा लेग को ऊपर ले जाएंगे, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होगा, रोक लेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद अब आप अपनी काफ और टेंडन ऑफ एकिलिस को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आप अपने फुट के चारों तरफ इस तरह से टॉवल को ले लेंगे और टॉवल को अपनी तरफ खींचेंगे और नीचे पूरे काफ में आपको एक स्ट्रेच फील होगा। थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे अपनी तरफ, रोक के रख लेंगे, छोड़ देंगे। ये भी आप 10 से 15 बार या 12 बार रिपीट करेंगे। हैमस्ट्रिंग और काफ स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद आप एंकल पंप मूवमेंट करेंगे। इस तरह से आपको अपने फुट को अपनी तरफ खींचना है, फिर छोड़ देना है, अपनी तरफ खींचना है, छोड़ देना है। इस तरह से आप 25 से 30 बार रिपीट करेंगे। इससे काफ मसल फ्लेक्सिबल होगा, जो कि सर्जरी के बाद टाइट हो जाता है, और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। नी एक्सटेंशन इम्प्रूव करने के लिए अब आप इस तरह से 1 kg के वेट के साथ उल्टे लेट जाएंगे।
घुटना और उसके नीचे का हिस्सा स्पेस में रहेगा। 5 मिनट तक डेली दिन में 3 बार इस तरह से कीजिए। इससे आपका लेग ग्रेविटी के फोर्स से अपने आप ही धीरे धीरे नीचे जाएगा। सर्जरी के बाद इस एरिया में एक स्टिफनेस आ जाती है, हमारा जो पटेला होता है, नी कैप होता है, वो जकड़ा जकड़ा सा रहता है, जिसकी वजह से हमें घुटने की बेंडिंग में यानी कि नी बेंडिंग में दिक्कत होती है और इस एरिया में पेन भी रहता है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस जकड़न को दूर करेंगे, इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज जिसको पटेलर मोबिलाइजेशन बोलते हैं वो आपको करना है। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड पटेला को मोबिलाइज करेंगे। आप इस तरह से आप पोजीशन देख लीजिए, आप रखेंगे और पटेला को 15-20 बार साइड बाय साइड करेंगे और फिर अप डाउन करेंगे। इससे बहुत ही जल्दी आपके पटेला के अंदर की जकड़न दूर हो जाएगी और ये एरिया आपका रिलैक्स फील होगा और बेंडिंग में भी आपको आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे जिनसे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट गोल अचीव होगा, यानी कि घुटने की बेंडिंग, घुटने की फ्लेक्शन। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है, 30 से 40 डिग्री ही बेंड करना है घुटने को। इस तरह से आप धीरे धीरे बेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे। 4 से 5 दिन इस तरह से करने के बाद अब आप थोड़ा सा बेंडिंग बढ़ाएंगे, 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। इस केस में आपको थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिएगा। इस तरह से टॉवल को अपनी तरफ खींचते हुए घुटने को बेंड करेंगे। इस मेथड से घुटना ज्यादा बेंड हो सकेगा। इस एक्सरसाइज को आप ज्यादा से ज्यादा करिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दिन में आप 3 से 5 बार करिए। बेंडिंग इंप्रूव करने के लिए अगली एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड। लेट कर अपने पंजों को दीवार पर टिका लेंगे। अब फुट को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए घुटने की बेंडिंग को बढ़ाएंगे, जहां तक हो सके नीचे ले जाएंगे, फिर स्लाइड करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से आप यह प्रक्रिया रिपीट करेंगे। आप अपने दूसरे पैर से पुश करते हुए बेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यह बेंडिंग एक्सरसाइज दिन में 3 बार करिए। अब हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे जिनको करने से घुटने के चारों तरफ की मसल्स में कंट्रोल आएगा, स्ट्रेंथनिंग डेवलप होगी। इसके लिए सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही फेमस एक्सरसाइज, घुटने के नीचे एक कुशन रख लेंगे या टॉवल रोल करके रख लेंगे और घुटने को प्रेस करेंगे इस कुशन के ऊपर, जहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, रोक लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे, धीरे धीरे रिलैक्स कर लेंगे, फिर प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे। आप 10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से 10 से 12 दफ़े रिपीट करना है। अब नीचे की मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप कुशन को हील के नीचे रख लेंगे और अब आप अपने हील को इस कुशन के ऊपर प्रेस करेंगे, नीचे एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, होल्ड कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स कर लेंगे, 10 से 12 दफ़े रिपीट करेंगे। अब अगली सारी एक्सरसाइजेज आपको ब्रेस के साथ करनी है। सबसे पहले लेग रेज करेंगे 4 अलग अलग डायरेक्शन में। लेट जाएंगे और सबसे पहले लेग को ऊपर की तरफ इस तरह से लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अब आप करवट ले लेंगे, नीचे का पैर बेंड कर लेंगे और इस तरह से साइड रेज करते हुए 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद उल्टे लेट कर लेग को रेज करेंगे, ये भी 10 से 15 बार करेंगे। अब आप सर्जरी वाले साइड लेट जाएंगे, नॉर्मल पैर को मोड़कर आगे रख लेंगे और इस तरह से एडक्शन मूवमेंट करेंगे, ये भी 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। स्टैंडिंग लेग रेज, सर्जरी वाले पैर में ब्रेस पहनकर अब इस पैर को आगे की तरफ मूव करेंगे, 15 बार करेंगे, फिर इसके बाद इसी लेग को 15 बार साइड रेज करेंगे। वेट शिफ्ट एक्सरसाइज, पहले लैटरल वेट शिफ्ट करेंगे, जिसमें बारी बारी एक बार सर्जरी वाले लेग के ऊपर वेट लेना है, फिर नॉर्मल लेग के ऊपर आ जाना है। इस तरह से आप लैटरल वेट शिफ्ट एक्सरसाइज 1 से 2 मिनट तक करेंगे। अब फ्रंट और बैक वेट शिफ्ट करेंगे, इस तरह से बारी बारी फ्रंट लेग पर बॉडी का वेट लेंगे, फिर पीछे वाले लेग के ऊपर वेट लेंगे, ये भी 1 से 2 मिनट तक करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सारी एक्सरसाइजेज आप घर बैठे करिए और अपने घुटने को नॉर्मलाइज करिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको 2 हफ्तों तक करनी है। इस दौरान यानी कि इस फेज को करते करते एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके वो सारे गोल, वो चारों गोल जो मैंने आपको बताए थे, वो आपको हर हाल में इसी फेज़ में हासिल कर लेना है।
जब तक ये फेज़ आप पूरा कर लेंगे तब तक अगले फेज़ की एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।